गुड इवनिंग, अभी शाम के 4 बज रहे हैं और कान्हा अभी सोया हुआ है। मैंने उसे सुला दिया है, ये देखिए वो सोया हुआ है। और मैं रूम में इसलिए बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि रूम में फ़ैन ऑन है तो हवा काफ़ी तेज़ आती है, जिस वजह से वीडियो में आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती है। तो इसलिए मैं बाहर खड़े होकर के गर्मी में बात कर रही हूँ। और कान्हा बहुत ही मस्ती से सो रहा है, उसे मैंने वो वाला फ़ैन लगा दिया है, स्टैंड फ़ैन, और वो आराम से सो रहा है। क्योंकि ऊपर का जो फ़ैन है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म हवा फेंकता है दिन में, इसलिए मैं नीचे का लगाती हूँ। और अभी मैं एक स्पेशल सी रेसिपी बनाने जा रही थी, मैंने सोचा कि चलो वीडियो को भी स्टार्ट कर लेते हैं और वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस किस को चावल के आटे के फड़े, बहुत लोग उसको फड़े बोलते हैं, बहुत लोग उसको बगिया बोलते हैं, तो किस किस को ये अच्छा लगता है चावल के आटे का बगिया, दाल भर के, जो चना दाल भर के जो बनाया जाता है वो किस किस को अच्छा लगता है। तो अभी मैं वही बनाने के लिए जा रही थी तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग के साथ शेयर कर लिया जाए। और उसके साथ मैं बनाऊंगी लहसुन और लाल मिर्च की चटनी, क्योंकि पिछली बार जब बनाई थी तो चटनी नहीं बनाई थी इसलिए खाने में उतना मज़ा नहीं आया, बट आज मैं चटनी भी बनाऊंगी साथ में। तो उसकी तैयारियां बस मैंने तैयारियां तो कुछ नहीं की थी, बस मैंने चने भिगो के रखे थे सुबह और अब वो फूल गया होगा तो अभी उसे पीसना है मिक्सी में डाल के। और लाइट ऑन करो, चने में दिखा देती हूँ, ये देखिए चने मैंने भिगो रखे हैं, इसे ही अभी पीसने के लिए मैं आई हूँ किचन में, मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा दूँ। और ये मैंने थोड़े से हरी मिर्च और अदरक को काट काट के मैंने छील के काट काट के टुकड़े कर लिए, उसको रख लिए हैं मैंने, उसको और चना दाल दोनों को, और थोड़ा सा नमक डाल करके इन सारी चीज़ों को मिक्स करके मैं भी पीसने वाली हूँ उसको, और पीस करके उसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाऊंगी पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों में से किसी को ये आता है, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं गलत बना रही हूँ तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मैंने कहाँ गलती की और क्या गलत बनाया, तो मैं अगली बार से उसे इम्प्रूव करूँगी। और अभी तो फिलहाल वैसे ही बनाऊंगी जैसे मैं बनाती आई हूँ। तो चलिए, तो मैंने बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया है, मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले दाल को पीसने के लिए, चना दाल को, तो उसके लिए मैंने मिक्सी यहीं पर मैं ऊपर ही रखती हूँ, मुझे आसानी होती है, और इसका जो प्लग है वो हमेशा लगा ही रहता है तो मुझे आसानी होती है, उतारो काम करो और फिर वहीं पर रख दो। तो उस पर मैं खाली ही रखती हूँ, सिर्फ मिक्सी ही रखती हूँ और उसका जार वगैरह रखती हूँ। तो इसमें मैंने चना दाल डाल दिया है और हल्का हल्का पानी, अगर आपसे सूखा अगर ये पीस जाता है तो सूखा ही पीस लीजिए, मैं सूखा इन द सेंस कि फूला हुआ तो है ही, ज़्यादा पानी मत डालिए, अगर गीला हो जाएगा तो भरने में दिक्कत होगा और आपका वो फट जाएगा बगिया, इसलिए पानी बहुत ज़्यादा कम यूज़ करिए, ना के बराबर। तो सूखा सूखा पीस लीजिए और इसमें आपको कुछ नहीं मिक्स करना, बस थोड़ी सी अदरक और थोड़ा सा वो नमक और हरी मिर्च, तो इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके पीसना है आपको। नमक मैं ऊपर से डाल रही हूँ, देखिए मेरा पेस्ट तैयार हो चुका है, बन चुका है, मैंने पीस लिया है सारों को। और अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं उसको तो साइड में रख देती हूँ और फिर मैं पानी बॉयल होने के लिए मैंने रखा है, और उसके बाद मैं जिसमें भी आपको आटा गूंदना है उसमें आप चावल का आटा ले लीजिए, मैंने इसे पिसवाया था जहाँ से आटा वगैरह पिसवाते हैं वहीं से 3-4 किलो चावल पिसवाया था, तो वही आटा है, ये बहुत ही बारीक पिसा हुआ। इसमें मैंने सिर्फ नमक डाला है और पानी मेरा बॉयल हो चुका है, दूसरी साइड मैंने चाय चढ़ा रखी है, तो बिल्कुल ही खौलता हुआ पानी है ये, और उसे मैं कलछुल से डाल रही हूँ इसमें, और पानी थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और मिक्स करते जाइए, एक बार में आपको पूरा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है, आपको हाथ से मिलाने में बिल्कुल दिक्कत होगी, होगी ही नहीं हाथ से, तो आपको इसे किसी चमचे वगैरह से ही मिलाना पड़ेगा। तो इस तरीके से करके जितना पानी इसमें एब्जॉर्ब हो पाता है तो उतना पानी आप इसमें डालिए और मिक्स करते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना पानी लगेगा। आप अगर लगे कि गीला है तो ये गीला नहीं होता है, आप जब इसे 10 मिनट के लिए छोड़ोगे तो ये सेट हो जाता है बिल्कुल। तो मैंने इसमें सारा पानी डाल दिया है और इसे मैं ढक करके अब 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। मैं अभी आई हूँ, मैंने देखा था आप लोगों ने चाय बनाई थी, मैं चाय लेकर के अभी पीने के लिए आई हूँ, और मैं उसे भिगोने के लिए छोड़ दी, भीगने के लिए अच्छे से, जब वो आटा फूल जाएगा ना, वो सॉफ्ट हो जाएगा, फिर मैं उसे क्या करूँगी, हाथ में रिफाइन या कुछ लगा के उसको अच्छे से, मतलब कि अच्छे से गूंद लूंगी, ताकि जैसा एक जो आटा होता है ना गूंद के लोई जैसा, वैसा एक तैयार हो जाए, फिर उसकी रोटी बेल करके हम उस पर भरते हैं। तो इसलिए मैंने उसे 10 मिनट छोड़ दिया, 10 मिनट क्या, मैं तो अब आधे घंटे बाद ही किचन में घुसने वाली हूँ क्योंकि गर्मी लग रही थी,
तो मैंने सोचा कि चलो अब 5:30 का टाइम हो रहा है तो कान्हा को उठा लेंगे, उसे खिला पिला के नाश्ता वगैरह करा के, मतलब कि वो चीला खाएगा वो अभी, तो बस उसको चीला बना के खिला दूंगी और उसके बाद फिर मैं किचन में जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं उसमें लग गई तो फिर उसको बनाने में मुझे 1 से 1.5 घंटे का टाइम अभी लगने वाला है, क्योंकि जितना आसान आपको जो चीज़ लगती है उतना आसान वो चीज़ होता नहीं है। लगता है कि अरे क्या है, बस गूंदना है और उसको पीस के भरना है और उबाल लेना है, बट उतना आसान वो होता नहीं। जब आप उसको बेलोगे फिर आपको पता चलेगा कि वो कितना टफ होता है। तो 1-1.5 घंटे का टाइम उसमें लगने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ पहले इसका काम खत्म कर दूँ, ये बैठ के टीवी देख लेगा, उतने देर में मैं वो काम कर लूंगी और उसके बाद बच जाएगा चटनी बनाने का। तो उसमें सबसे मेहनत जो है वो है लहसुन को छीलने में, जो कि मुझसे कभी नहीं होगा, तो चटनी इसलिए मैं अभी नहीं बनाऊंगी। जब वो भी आ जाएंगे तो सब मिल के हम लोग लहसुन छीलेंगे, क्योंकि लहसुन इसमें बहुत ज़्यादा चाहिए, कम से कम 100 ग्राम तो लहसुन छीलने वाली हूँ मैं, तो उतना लहसुन छील करके उसके बाद उसकी चटनी बनेगी, तो इसलिए लहसुन मैं अभी नहीं करने वाली हूँ, वो मैं 8-9 बजे के आसपास करूँगी। तो तब तक मैं इसको बना के रख लूँगी, फिर थोड़ी देर के लिए छत पे जाऊँगी घूमने के लिए, क्योंकि वेदर काफ़ी अच्छा हो रखा है, काफ़ी अच्छा, मतलब बिल्कुल भी धूप नहीं है और हवा चल रही है, तो वेदर काफ़ी अच्छा हो रखा है। तो मैं जल्दी से सोच रही हूँ कि काम अपना फटाफट से फिनिश कर लूँ और फिर जाऊँ छत पे घूमने के लिए, क्योंकि जब तक मैं छत पे नहीं जाती ना मेरा मन ही नहीं लगता है, कि मतलब उसे अजीब सा लगता रहता है, घर बंद बंद मतलब रहता है ना, तो लगता है कि बाहर का जब तक फ्रेश एयर नहीं ले लो तब तक अधूरा अधूरा सा लगता है, मतलब मन अंदर से करता रहता है कि नहीं यार जाओ 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 छत पे, इसलिए मैं छत पे तो ज़रूर जाऊँगी। तो चलिए कान्हा को पहले मैं उठा, नहीं पहले मैं चाय पी लूँ। मैं अभी बैठ के देख रही थी क्राइम अलर्ट, वो मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ क्राइम पेट्रोल, पहले सोनी पे देखा करती थी, CIT देखा करती थी, उसके बाद मुझे लगा कोई आया लेकिन कोई नहीं आया, CID पहले बहुत ज़्यादा देखा करती थी, उसके बाद फिर सोनी पर ही देना शुरू किया था क्राइम पेट्रोल, वो भी मैं देखा करती थी, फिर लाइफ ओके पर दिया करता था सावधान इंडिया, वो भी मैं देखा करती थी, और अभी दंगल पे देता है वो क्राइम अलर्ट। तो पता नहीं इस तरह की जो सीरियल होती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं ऐसे सीरियल कोई नहीं देखती हूँ टीवी पे, कोई भी सीरियल नहीं देखती हूँ टीवी पे मैं, बट इस तरीके की जो होती है ना क्राइम से रिलेटेड, तो इस तरह की सीरियल मैं बहुत ज़्यादा, अगर मुझे दिन भर भी देखने के लिए बोल दिया जाए तो मेरा मन नहीं भरेगा, मैं देखती रह जाऊंगी, वैसे टाइम इतना ज़्यादा मिलता नहीं, बस रात में 1 एपिसोड मैं डेली देखती हूँ, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है और कुछ नहीं। तो अभी मैं वही देख रही थी, सोची चलो 10 मिनट में मैं चाय भी अपना खत्म कर लूंगी और ये भी खत्म हो जाएगा, फिर मैं कान्हा को उठा लूँ, क्योंकि वो उठ जाएगा तो फिर उसको सुनने ही नहीं देगा, वो बस हल्ला 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 करेगा। तो चलिए फिर मैं उसे उठा करके कुछ नाश्ता वगैरह उसको दे दूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ किचन में। मुझे छत पर आना भी था और मिस्त्री भी आ गए काम करने के लिए। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ से जब बारिश होती है तो यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है और उसके बाद वो सीपेज करता है, मतलब नीचे हमेशा गीला रहता है, टपकता रहता है ऊपर से पानी, तो इसलिए मैं इसे ठीक करवा रही थी। तो इन्होंने पहले यहाँ से फोड़ के हटाया और उसके बाद यहाँ पर पानी डाल करके और सीमेंट का घोल डाल करके इसको मतलब कि कवर करेंगे, ताकि पानी यहाँ से ना जाइए जो आपको दिख रहा है किनारे से, तो यहाँ से पानी सीपेज करता है। और अभी लगातार बारिश हो रही है डेली, तो डेली नीचे गीला रहता है, तो नीचे गीला रहने से क्या होता है ना कि रूम वगैरह पूरा गीला हो जाता है चप्पल से चलते चलते, तो इसलिए मैं बोल रही थी। और अभी वेदर काफ़ी अच्छा है और अचानक से, मतलब कि इतना अच्छा वेदर था, छत पे आई थी बैठने के लिए, अचानक से काले बादल आ गए और लगा कि अब बारिश हो जाएगी कि कब हो जाएगी। तो इसको कहते हैं लक, कि वेदर कितना अच्छा था, अचानक से मौसम ख़राब हो गया है बिल्कुल। तो इन्होंने जल्दी जल्दी से किया कि कहीं बारिश तेज ना हो जाए, हालांकि बूंदा बूंदी हो रही है हल्की हल्की, लेकिन फिर भी इन्होंने जल्दी जल्दी करके फिर इसको ढक दिया। तो देखिए बारिश शुरू हो चुकी है इसलिए इन्होंने ढक दिया, ठीक से काम भी नहीं हो पाया जल्दी जल्दी में जैसा हुआ। तो मैं आ गई हूँ नीचे अब अपना काम करने के लिए। कान्हा को भी मैं छत पर ही खिला दी थी, जब मैं छत पर थी तो उसे साथ में खिला भी रही थी और देख भी रही थी। तो आटे को बस इसी तरह से आपको छोड़ के गई थी, तो ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हो चुका है और जितना भी पानी था इसने अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। तो हाथ में आप कुछ लगा लीजिए, तेल या रिफाइंड कुछ भी, और उसके बाद आप आटे को इस तरह से इकट्ठा कर लीजिए। पानी इसमें अभी बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि उतना इसमें पानी है कि ये बाइंड हो जाएगा, आटे को गीला नहीं करना है।
तो थोड़ा सा ये हाथ में चिपकता है, थोड़ा सा स्टिकी होता है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिफाइन लगा के कर लीजिए। इस तरीके से इकट्ठा करिए। और उसके बाद मैंने आटे को कपड़े से ढक दिया है, क्योंकि ये सूखता बहुत जल्दी है, तो इसलिए मैंने कपड़े से ढक दिया है। और उसके बाद बगिया बनाना, जिन लोगों ने पिरकिया बनाया होगा ना, या उसको और भी कुछ कहते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि उसको क्या कहते हैं, खजूर, नहीं, याद नहीं आ रहा उसको क्या कहते हैं, गुजिया, हाँ गुजिया, जिन लोगों ने बनाया होगा उनसे ये बहुत अच्छे से बनेगा। जिन लोगों ने नहीं भी बनाया है तो वो लोग भी बना सकते। पहले जब मैं बनाई थी ना, तो मैं क्या की थी, बस मैंने रोटी बेला और इस तरीके से मैं काटती नहीं थी, बस ऐसे ही भर दिया। तो कोई बड़े हो गए थे, कोई छोटे हो गए थे। इस बार मेरा मन किया कि नहीं, चलो अच्छे से बनाते हैं, एक साइज का सारा बनाते हैं जो देखने में अच्छा लगे। तो इसलिए मैंने क्या किया, इस बार एक प्लेट लिया और उससे मैं कट करके फिर मैं बनाती, इस तरीके से कट कर रही थी, गोल सा रोटी निकलता था, उसमें एक चम्मच मैं वो मसाला डालती थी, चना दाल जो पिसा हुआ था, और इस तरीके से बंद कर देती थी, दबा करके प्रेस करके ऐसे बंद कर देती थी। तो एक बार में मैं 8-9 बना के रख रही हूँ, तब तक पानी मैंने उबलने के लिए रख दिया है। और ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ही उबलता हुआ पानी होना चाहिए। तो मैं देख लेती हूँ, पानी मेरा बिल्कुल ही उबल चुका है, इस तरीके से उबलता हुआ पानी होना चाहिए। और उसी में आपको इन सारे बगे को डाल देना है। तो अभी ये नीचे पूरा बैठा हुआ है, बिल्कुल भी ऊपर नहीं है, क्योंकि अभी इसमें वेट है, कच्चा है ना, ये वेट है इसलिए नीचे है। और जैसे ये पक जाएगा, ये देखिए ऊपर आ जाता है। तो आप लोग को कन्फ्यूज़न होता होगा कि कैसे पता चलेगा कि ये पका या नहीं पका, तो इसका यही मतलब है कि ये ऊपर आ गया है, तैरने लग गया है, इसका मतलब ये पक करके हल्का हो गया है, तो इसे निकाल लेना है। तो इसे मैं निकाल रही हूँ। और फिर और भी मैंने बना के रखे हुए हैं बगिये 8-10, तो उसे भी मैं अब इसमें डाल दूंगी, क्योंकि पानी तो उबलता हुआ है ही। चलिए, तो अब इसे क्या करना है, निकालने के बाद आपको ठंडे पानी में डालना है, ताकि इसमें जो चिपचिपापन आ जाता है, जो आता है, वो सारा धुल जाए। तो इसे मैं ठंडे पानी में डाल के फिर वापस से एक जाली वाला जो थाली है उसमें मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए, ये अच्छे से सूख जाए, चिपचिपा ना रहे, तो इसलिए मैं निकाल रही हूँ। इसको मैं फ़ैन के नीचे रख दूँगी ताकि ये जल्दी सूख जाए। तो ये देखिए, मेरा अब बगिया बन करके तैयार हो गया है। और अब मैं बनाऊंगी चटनी। तो चटनी के लिए मैंने इतने सारे लहसुन पापा से छिलवाए थे, पापा ने बैठ के छीले हैं इतने सारे लहसुन। और सरसों का तेल मैंने इसमें हल्का सा डाला है, तेल का ही एक्चुअली कढ़ाई था, तो उसी में मैंने फ्राई कर लिया है इसे। और इसमें मैं डालूंगी लाल मिर्च, मैंने भिगो के रखे हैं, तो 4-5 ही लाल मिर्च डाले, ज़्यादा नहीं डाले कि ज़्यादा तीखे हो जाएंगे। और मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, और इसको मैं फ्राई कर रही हूँ अच्छे से ब्राउन होने तक, बिल्कुल ही ब्राउन हो जाएगा। और इसमें बहुत अच्छी सी, मतलब मैं जब लहसुन फ्राई कर रही थी, बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें से लहसुन की। तो चलिए, ये फ्राई हो गया है, ब्राउन हो गया है, अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे निकाल लेंगे जार में। और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट मैंने बना लिया है, अब इसको लगाएंगे तड़का। तो उसके लिए मैंने सरसों तेल डाला है, उसमें मैं थोड़ा सा हींग डालूंगी, आप चाहे तो करी पत्ता डाल सकते हैं, सरसों डाल सकते हैं, और इसमें अदरक भी डलता है, बट अदरक हम लोग ज़्यादा नहीं यूज़ करते, इसलिए नहीं डाला। बगिये में ऑलरेडी अदरक है, तो इतना ज़्यादा गर्मी में गर्म खाना अच्छा नहीं है। तो इसमें मैंने डाला है हींग, और जैसे ही हींग हो जाएगा तो उसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है कलर आने के लिए। और उसके बाद मैंने वो पेस्ट इसमें डाल दिया है, और थोड़ा सा मैं नमक इसमें ऐड कर दूंगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और नमक ऐड करने के बाद, अभी तो मैं उसमें जितना मिक्सी में लगा हुआ था वो सारा पानी डाल करके धुल करके मैं इसी में डाल दी। तो चलिए, इसे अच्छे तरीके से डाल, नमक भी मैंने डाल दिया, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और उसके बाद इसे आपको तब तक भूनना है जब तक इससे तेल अलग ना हो जाए। तो देखिए, इसे चलाते चलाते 5 मिनट हो गए भूनते भूनते, और ये तेल अलग हो गया है, तो इसका मतलब है कि अब ये चटनी बन करके तैयार हो गई, बिल्कुल ही पक गया है, कच्चापन का टेस्ट नहीं आएगा। तो चलिए, मज़ा लेते हैं चटनी और बगिये का। मेरी दोनों चीज़ें बन करके तैयार हैं। काफ़ी टाइम के बाद मैंने जब बगिया बनाया था, तो उसके बाद फिर पूरा किचन समेटा, बहुत सारे बगिये, मतलब ये ऐसा खाना है कि खाने में, मतलब बनाने में लगता है कितना कम है, क्या काम है, लेकिन बनाने के बाद बर्तन भी उतने ही ज़्यादा होते हैं और काम भी उतना ही ज़्यादा। मैं बिल्कुल थक गई बनाते बनाते, मुझे बनाने में करीब 1.5 से 2 घंटे लगे इतने बगिये बनाए,
35 से 40 बगे बने होंगे, इतने मुझे 1.5 से 2 घंटे लग गए। बहुत मेहनत लगती है गाइस, लेकिन एक बात है, जिस चीज़ में मेहनत लगती है वो चीज़ खाने में उतना ही मज़ा आता है, उतना ही स्वाद बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा मेहनत करो उतना ज़्यादा स्वाद बढ़ जाता है खाने का। तो खाने में तो ऑब्वियसली खा के आ रही हूँ, किचन पूरा क्लीन करके आ रही हूँ, तो स्वाद तो बहुत था। और वो सॉरी, लहसुन की चटनी, इसके साथ लहसुन की चटनी खाने में बहुत मज़ा आया, और खाना तो वाकई बहुत टेस्टी था, और लेकिन मेहनत भी उतनी ही ज़्यादा थी। तो जो जिस चीज़ में ऑब्वियसली जिस चीज़ में मेहनत लगती है वो चीज़ अच्छी होती ही है। तो अभी सारा चीज़ फिनिश करके आई हूँ, तो चलिए इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पर एंड। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी आज की अच्छी लगी तो प्लीज़ इस रेसिपी के लिए एक लाइक कर दीजिएगा, और आपके रिलेटिव में या आपके फ्रेंड्स में जिस किसी को भी ये रेसिपी पसंद है उसे शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए बाय बाय, मैं मिलूंगी फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।